किस तरीके से राजनीति में, किसको देखकर प्रभावित होकर आप राजनीति में आए? मेरे को, मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ, हमारे कोई हमारे पुरका या हमारे खानदान में जी गांव का कोटवार भी नहीं है जी, और गांव का वार्ड मेंबर भी नहीं है जी। लेकिन मैं व्यापार करते हुए, धंधा करते हुए, बैला का धंधा, हम लोग तेंदुपत्ता तोड़ता था, गोदी का कोतता था जी। मैं पहला सुनाव वार्ड मेंबर सुनाव लड़ा। अच्छा, यहाँ से शुरुआत हुई मतलब? हाँ, वार्ड मेंबर सुनाव लड़ने के बाद हाँ, मेरे को सब लोग कहने शुरू कर दिया कि सरपंच है। हाँ, सरपंच अलग थे, मैं वार्ड मेंबर था, वार्ड पंच था। तब तक मेरे को एक अधिकारी आया, वो मेरे को पार्टी में लाया है। अच्छा, कि तुम अच्छा व्यक्ति हो, राजनीति में क्यों नहीं? मैं बोला राजनीति में मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, राजनीति में क्यों जाऊँगा? मैं अपना धंधा पानी करेंगे, खेती करेंगे, बढ़िया बैला धंधा करेंगे, ये सरपंच या जनपद अध्यक्ष लायक नहीं है, क्यों राजनीति में? तो बोला है कि राजनीति में रहने से ये जो कलेक्टर बनने में, गुरुजी बनने में, एसपी बनने में सर्टिफिकेट की जरूरत है, नेता बनने में सर्टिफिकेट जनता देता है। बिल्कुल सही, जनता जो वोट देगा, जो सुनेगा, तुम एमएलए बनोगे, सांसद बन सकते हो। बोलने से मैं धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में आया हूँ। आने के बाद मैं सबसे पहले सुकमा बुलाक का युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनाए। अच्छा, अरविंद नेता ने। अच्छा, उसके बाद मैं पीछे प्रदेश प्रतिनिधि बनाया। तो इसलिए मैं लगातार कांग्रेस पार्टी के वार्ड मेंबर के बाद मैं बुल्ला के युवा कांग्रेस अध्यक्ष, बाद सरपंच का चुनाव लड़ा जी। सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस में।